नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। हमारे जीवन में धन का बहुत ही ज्यादा उपयोगिता होती है। बिना धन के कहीं पर चला जाए इज्जत नहीं मिलता, मान सम्मान नहीं मिलता। देखिए, औरों को जितना इज्जत मिलना चाहिए, औरों को जितना इज्जत मिलता है उतना इज्जत बिना धन के अभाव में, धन की कमी के कारण हमें नहीं मिल पाता। तो धनी लोग दोस्तों हर कोई इज्जत करता है बिना धन के। कितना भी आप ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आप जो है जानकार क्यों ना रखते हो, केवल पागल और लासमझ कहे जाते हैं। इसलिए मित्रों, धन हो तो सब कुछ है, धन का अभाव में केवल दुख का ही कारण है धन का अभाव। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा सरल उपाय बताने जा रहा हूँ जिसे जन्म जन्मांतर के भिखारी भी धन के देवता कुबेर के समान धनवान बन जाएंगे। सबसे पहले तो आप सोच लीजिए कि धन के देवता कुबेर को कहाँ से धन प्राप्त होते हैं, सोचने वाली बात है। तो दोस्तों वह भी कुछ ऐसे सरल उपाय करते हैं, कुछ सरल तरीके को अपनाते हैं जिससे उन्हें धन की प्राप्ति हुआ है। तो धन देने वाला भगवान स्वयं शिव जी हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा सरल नवरात्रि में किए जाने वाले उपाय बता रहा हूँ जिसे करना है आप भी धन धन से संपन्न बन सकते हैं। उपाय बताने से पहले आप सभी मित्रों से बार बार निवेदन है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जब भी नए वीडियो मैं इस प्रकार के अच्छे हेल्पफुल डालते रहूं इसका नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले मिल सके। तो आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा धन प्राप्ति करने का, सफेद आंख के बारे में बताऊंगा। आंख जिसे हम आंकड़े के नाम से जानते हैं और कई जगह इसे ओंगा के नाम से भी कहा जाता है। तो सफेद पुष्प वाली जो आंख होती है इसका प्रयोग करना है। आंख जिसे हम कई जगह आंख दूध के भी नाम से जानते हैं। तो ऐसा तंत्र शास्त्रों में बताए जाते हैं कि 11 वर्ष पुराने जो सफेद कलर की आंख होती है इसके आकृति भगवान गणेश के सूंड के समान हो जाती है। ठीक है, भगवान गणेश जी के सूंड के समान हो जाती है अगर 11 वर्ष पुराने हो तो। और आपको हो सके तो 5 साल पुराने इसके जड़ को लाना है खन करके। जी हाँ मित्रों, इसके जड़ को खन करके ले आना है, खन करके लाना है। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको इसे खुला नहीं लाना है, इसे लाल कलर की या सफेद कलर की वस्त्र में लपेट करके लाना है। इसके बाद इसे ला करके आपको गंगा जल धूप इसे दिखा करके, गंगा जल से धोने के बाद आपको धूप दिखाना है और इसमें केवल आपको बंधन बस चढ़ाना है, बंधन के अलावा इसमें आपको कुछ नहीं चढ़ाना है। एक बात का विशेष ध्यान रखें मित्रों, ये क्यों धन खींचता है या धन प्राप्ति करने का क्यों सरल उपाय है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, जो भगवान गणेश जी हैं यह रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ धन प्राप्ति करने का सबसे सरल आसान देवता है। सबसे सरल ये आसान उपाय बता रहा हूँ इसके माध्यम से, क्योंकि यह स्वयं गणेश जी का स्वरूप बताए गए हैं और यह जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे स्वतः ही धन खींचे चले आते हैं, रिद्धि सिद्धियाँ स्वतः ही खींचे चले आते हैं। जहाँ पे रिद्धि सिद्धि आने लगे, धन वैभव आने लगे, वहाँ पे फिर दोस्तों आपको किस भी प्रकार की संशय, आपको किसी भी प्रकार का घबराहट भी नहीं होते, डर भी नहीं होते। तो इसके जड़ को अपने घर पे ला लीजिए और पूजा वाले कक्ष में स्थापित कर दीजिए। आप देखेंगे 2 से 3 महीने के भीतर में आपके हर प्रकार के बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। वैसे तो 3 दिनों में इसका रिजल्ट मिल जाते हैं और ये आपको धन वैभव से संपन्न बनाना शुरू कर देते हैं। 3 महीने के भीतर में आप देखेंगे आप भी धन धन से संपन्न हो जाएंगे, आपके हर प्रकार के बिगड़े कार्य बनने लगती है। यह सूंड के जैसा भगवान गणेश जी के जैसे कि 5 वर्ष पुराने अब इसके पेड़ को लाएंगे, अगर 11 वर्ष पुराने हैं इसके जड़ तो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। इसके जड़ को लाएं और इसे नवरात्रि के समय में लाना, इसका विधिवत पूजा करें और इसे प्रार्थना करें कि आप हमें धन वैभव से संपन्न बनाएं। इस पेड़ में इतना ज्यादा यह वृक्षराज इतना ज्यादा प्रभावी तरीके से आपको चमत्कार दिखाएंगे कि आपको स्वतः ही कहीं ना कहीं से धन मिलना शुरू हो जाते हैं और 1 साल के भीतर में यही नवरात्रि तक आने से पहले आपको ये धन धन से संपन्न बना देंगे। औरों के पास में आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो यह जानकारी कैसा लगे मित्रों हमें जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।